एक ही महीना बचा है, सो एनी प्रो टिप यू वुड लाइक टू गिव टू देम? हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज दीपक साव एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, नन अदर देन सोएब अफताब. Welcome Sohib, welcome to the show, and today I'm just going to interview you about some of the neat aspect as well as your life, what you have done. So, are you ready? Yeah. My first question to you is that, since you are the first one in the neat history who scored 720 out of 720, because mujhe yaad hai ki 2019 mein Nalin Khandelwal ke 701 aaye the. So, क्या आपने पहले कभी ऐसा expect किया था कि ऐसा कुछ extraordinary कुछ हो सकता है neat में? Have you expected कि you will be that lucky guy or that hardworking guy जो ये achieve करेगा इसको? नहीं, मतलब definitely पहले से तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था. मतलब थोड़ा था कि अगर मान लो कभी ऐसे 720 आ जाते. वैसे मेरे कभी mock test में भी नहीं आए थे 720. mock test में जो मेरा highest आया था वो था 715. तो ये तो मतलब काफी unexpected ही था, but माइंड में कहीं ना कहीं आया, आता ही सबके दिमाग में आता है. मतलब पहले भी आता ही होगा 2019 वाले जो एस्पिरेंट्स उनके दिमाग में होगा कि क्या पता आ जाए. तो ऐसा क्या पता आ जाए वाला सीन था, बट ऑब्वियसली खुद के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ही आएंगे. दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. सो ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं 12th में आया था तो मेरा 11th का बहुत सारा पोर्शन छूटा हुआ था, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है कि उनकी 11th काफी वीक होती है, तो उनको 12th में कोप अप करना होता है. सो हाउ वी कैन रिवाइज आवर 11th और वी कैन मेक आवर 11th स्ट्रांग इन द 12th स्टैंडर्ड अलोंग विद द 12th सिलेबस जो चल रहा होता है. हाँ, तो स्टार्टिंग में 12th के जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हो कोचिंग में या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है. तो मैंने क्या किया था, जैसे मेरा कोचिंग जो होता था वो शाम को होता था, मतलब 2 से 8 होता था. तो रात को मैं 10 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो जाता था. तो 10 से 12 मैंने हमेशा टाइम रखा था कि मैं पुरानी चीजें क्या करूंगा, मतलब 11th की चीजें क्या करूंगा. मॉर्निंग में जो मेरा टाइम है 8 से 12 या 8 से 1 हो गया, वो मैं मतलब जो करंट में अभी चल रहा है उस पर फोकस किया करूंगा. क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है, क्योंकि आप पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो आपको पहले टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाएगा. आपको 12th की चीजें अभी आप लोग बेसिक थोड़ा फोकस करते हैं, टीचर्स को भी ये चीजें पता होती है कि अभी जस्ट 12th स्टार्ट हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करेंगे. तब आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 11th का भी थोड़ा थोड़ा कवर करते रहो. तो पहले 2-3 महीने में 11th का काफी पोर्शन कवर अप कर सकते हो. You scored 720, so definitely ऐसा कोई secret सी strategy है exam duration में जो आप perform करते हो कि मैं पहले ये perform करूँगा, या फिर bubbling को लेके काफी सारे लोगों को doubt होता है कि bubbling कब करनी है, at the end करनी है कि after subject करना है, so you just can you just enlighten us कि हम exam strategy क्या होगी? Exam strategy यार I feel paper attempting sequence को लेकर के हमेशा ही होना चाहिए कि जो आपका strong subject है उसको attempt करो पहले. मेरा हमेशा से ऐसा मानना था. और जैसे हाँ, मेरा फिजिक्स था तो मैंने फिजिक्स किया. ज्यादातर लोगों का बायो होता है, बायो ही अटेम्प्ट पहले करना चाहिए. क्योंकि बायो अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग वॉइस वैसे ही है, तो आप उसको अटेम्प्ट करो तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे होंगे. तो इस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस आगे के सब्जेक्ट में भी कैरी ऑन होता है. बट वहीं पर अगर आपने रिवर्स किया, आपने अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, तो जो मान लो वहां पे आपके स्टार्टिंग में एक आध अगर गलती हो गई, तो कहीं ना कहीं पूरे पेपर के ड्यूरेशन में आपका एक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम सा रहेगा कि यार आपको थोड़ा डर सा लगेगा. तो बेसिक तो वही है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पहले करो, उसके बाद जैसे मेरा था फिजिक्स, उसके बाद मैंने बायो किया, लास्ट में केमिस्ट्री. लास्ट में आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट करना चाहिए जहाँ पे सिले मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम हो. तो इसलिए मैंने थोड़ा केमिस्ट्री किया था, क्योंकि मेरे को लगा केमिस्ट्री में सिले मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम. बबलिंग मैं साथ साथ करता था जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, जैसे बायो, क्योंकि बायो में ऐसे पढ़ के ही पता लग जाता था आंसर क्या होगा, तो डायरेक्टली करता था. लेकिन जो फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पे कैलकुलेशंस होती थी, वहाँ पे मैं पूरा सब्जेक्ट सॉल्व करने के बाद ही बबल करता था. जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वापस से जब मैं बबल भर रहा था, मैं डबल चेक किया कैलकुलेशंस को, फिर भरा. फिजिक्स में भी सेम, सारे कैलकुलेशंस को डबल चेक किया, फिर बबल. ओके, सो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आपको इतना टाइम फास्ट करना होगा कि डबल चेकिंग का वो डेफिनेटली टाइम बचे डबल चेक करने के लिए, बिकॉज़ इतना मतलब करना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्राई में आप हमेशा अलग अलग ऐसे 2-3 अटेम्प्ट में आप पेपर करो. हमेशा ये रिकमेंडेशन होता है सबका, यही होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप वो कर लो जो आपको बहुत जल्दी हो रहा है, जो इजीली आपको आता है. तो उसमें आपको एक क्वेश्चन में, इवन फिजिक्स के भी क्वेश्चन में आपको 40-41 सेकंड से लग रहे होंगे,
बाद में आप सेकंड राउंड में एटलीस्ट डबल चेक तो कर ही सकते हो, सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसमें शायद आपको डबल चेक का टाइम ना मिले। जो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड वाले जो क्वेश्चंस आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें आप डबल चेक नहीं कर पाओगे, बट उसमें आप ऑलरेडी काफी टाइम लगा रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट हो रही है। उनको इस एक महीने में एग्जैक्टली ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी रैंक को और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? तो एक महीने जो बचे उसमें आई थिंक पीवाईक्यूज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, बिकॉज 70% ऑफ द पेपर कहीं ना कहीं मतलब या तो डायरेक्ट पीवाईक्यू इतने नहीं होंगे, 10-20% ही डायरेक्ट पीवाईक्यू होंगे, बट उन्हीं से डिराइव्ड होते हैं, मतलब वो जो टॉपिक्स आए हैं उसी टॉपिक में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किसी टॉपिक में बहुत सारे डेप्थ में मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, बट बेसिक भी अगर आप पढ़ोगे बट उसको बार बार रिविजन करो। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे एग्जाम से बहुत डर लगता है थोड़ा, हर किसी को लगता है, हर स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम में भले उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे स्कोर कर रहे हो, एक एग्जाम फेयर नाम की चीज होती है कि एग्जाम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं हमारे हाथ में कप को पानी लगे, हमें डर ना लगने लगे, क्वेश्चन देखे हम ब्लैंक ना हो जाए। So how you overcome your exam fear and what we can do to overcome? हाँ, तो exam fear के लिए यार मैं ये बोलूँगा कि जैसे आप मल्टीपल मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो, आप नॉर्मल टाइम पे मॉक टेस्ट हो, जैसे आपके कोचिंग में या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे तो मॉक टेस्ट होते ही हैं, उसके अलावा आप घर पे भी आप मॉक टेस्ट दिया करो, क्योंकि आप जितनी बार उस एनवायरनमेंट को मतलब क्रिएट करने की कोशिश करोगे, आप जितनी बार उसको कहते हैं ना कि मतलब सिमुलेट करोगे, तो वो एक बार बार रिपीटेशन के थ्रू आपके माइंड में वो चीज़ हो जाएगी कि यार ये तो एक कॉमन सा है, ये तो रोज ही करते हैं, तो वो अगर आप बहुत कॉमन बना लेते हो, रोज ही प्रैक्टिस की तरह बना लेते हो, तो फिर लास्ट में भी वो चीज़ हो ही जाएगी। और एक चीज़ और, आप जो एग्जाम देने जब जा रहे हो एग्जाम डे में, वो थोड़ा जल्दी जाना, क्योंकि जितना जल्दी आप चले आते हो, पहले हम मेरे को ऐसा लगता था कि यार 3 घंटे पहले एंट्री हो जाती है तो क्या मैं लास्ट तक सब कुछ भूल जाऊंगा, या मैं 3 घंटे वहां बैठा तो क्या बायो भूल जाऊंगा पूरा, बट अच्छा पढ़ लो। हाँ, बट ऐसा नहीं होता, आप बहुत जल्दी अगर आप जाते हो वहां पे बैठते हो तो एग्जाम फियर काइंड ऑफ 3 घंटे के एंड तक थोड़ा शांत हो जाता है, मतलब आप काम हो जाते हो काफी हद तक, कि आप भी थोड़ा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी खुद को एडजस्ट कर लेते हो, पंखे वंखे जो भी चल रहे होते हैं, इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा एडजस्ट हो गए तो आपको वो एंग्जाइटी थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे अगर आप ऐसे दौड़ते भागते भागते गए आधे घंटे पहले जस्ट पेपर में घुसे, तो वो चीजें दिक्कत देती है। और मैं यही भी कहूंगा कि आप नेशनल लेवल एग्जाम्स और भी दो, जैसे मैंने केवीपीवाई दिया था, उसमें मैंने अच्छा भी स्कोर किया, यार 37 मेरी आई थी, फिर जेई मेंस दिया उसमें मैंने 99% आई थी, तो ये एग्जाम्स जब आप देते हो ना तो नेशनल लेवल एग्जाम्स का आपको एक्सपीरियंस होता है, तो नेशनल लेवल एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तो आपको वो डर काइंड ऑफ आपको लगेगा कि यार नहीं एक एग्जाम तो ऑलरेडी दे दिया है तो अब ये वैसा ही है, और वो सेम एक्सपीरियंस क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो, आपकी पूरी फ्रिस्किंग हो रही है, आप अलग से लाइन में लग रहे हो, आपको पूरे मतलब एकदम गार्ड वगैरह है वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है पहली बार अगर हो तो, बट अगर आपने ऑलरेडी 2-3 नेशनल लेवल एग्जाम्स दे रखे हैं फिर तो आपके लिए वो कॉमन ही रहेगा। Yeah, I think that works for me because I'm also an NTSC scholar, KVY scholar. So I think that what makes me कि मैं उस चीज को प्रिपेयर कर पाया। Physics का मतलब होता है। हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लेंगे। हाँ, कोई नहीं ले लेंगे यार। One eternity later. You were the first one in the history.